नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीए न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बाराबंकी शहर में लोकसभा केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान खाद्य रसद मंत्री सतीश शर्मा व जिले के कई विधायकों की उपस्थिति में 53 सुरक्षित लोकसभा से बीजेपी का टिकट मिलने पर राजरानी रावत ने कार्यालय उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से कहा कि जिले की बेटी हूं और जिले भर में बहुओं और बेटियों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जिसको लेकर बड़ा शंखनाद होने वाला है और फिर से 400 पर मोदी सरकार की बात कही गई। आज जो ये आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, प्रेस वार्ता हुई है, 2024 की लोकसभा का आगाज हो गया, तो ऐसे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज से हमारे प्रभारी जी आए हुए थे, इस कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया है और आज से आगाज हो गया है कि हम बाराबंकी में हर कार्यकर्ता हमारा हर मतदाता के पास पहुंचेगा और मैं भी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं के पास पहुंच रही हूं, उनसे आग्रह कर रही हूं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं शीर्ष नेतृत्व को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि नहीं मैं नहीं, ये बात तो आपने पहले भी हैदरगढ़ दौरे के दौरान आपने कही कि नेतृत्व का जो है मैं लगातार 400 पार की बात कर रही, लेकिन अगर हम बात करें बाराबंकी की, आपको टिकट मिला है भाजपा का, आज उद्घाटन भी हुआ है, प्रेस वार्ता भी आप कर रही हैं, तो बड़ी बात यह कि आप बाराबंकी के लिए क्या करेंगी और आने वाले समय में क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें भाजपा लेके आएगी? ये हमारे भी माननीय प्रभारी जी ने आपको अवगत करा दिया। तो क्या लगता है इस बार अगर हम बात करें बाराबंकी जिले में दो लोकसभा क्षेत्र अपडेट होते हैं, आपके 53 और उसके बाद 54, अयोध्या भी कुछ हिस्सा लगता है। 53 बाराबंकी जो आपकी है, सभी मतदाता एक तरफ से लगे हुए हैं और अपनी बेटी और बहू को पूरा आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़े हुए हैं। तो क्या लगता है इस बार जो है आपको मतलब जनता पूरी तरह मौका दे, उनका पूरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। ठीक।